नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा द बर्निंग ट्रेन से शुरू होता है लेकिन ठहरता है उस एक्ट्रेस पर जिसको देखकर अपना मुल्क भूल गया था एक एक्टर। धर्मेंद्र, हेमामालिनी, जितेंद्र, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, डैनी डेंजोगपा जैसे भारी भरकम सितारों के साथ रवि चोपड़ा ने फिल्म बनाई द बर्निंग ट्रेन। 28 मार्च 1980 में रिलीज हुई इस क्लासिक फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया, लिहाजा बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह से पिट गई। हालांकि इस फिल्म को बनाने में बीआर चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने बहुत मेहनत की थी लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और इस फिल्म के तकरीबन 42 साल पूरे होने पर आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे परवीन बॉबी की शोहरत से खींचे चले आए बॉब क्रिस्टो और फिर बॉलीवुड का हिस्सा बन गए थे। कई बार ऐसा होता है कि बेहतरीन कहानी, शानदार एक्टर्स की फौज भी किसी फिल्म को कामयाब नहीं बना पाती और कुछ ऐसा ही हुआ था 80 के दशक में रवि चोपड़ा के साथ द बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत की गई थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने में तकरीबन 5 साल का लंबा वक्त लगा। इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने शानदार काम किया था। रवि ने हॉलीवुड फिल्म द टॉवरिंग इन्फर्नो देखकर इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म रिलीज होते ही छा जाएगी। इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग भी की लेकिन बाद में कलेक्शन गिर गया और फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। हालांकि आज भी द बर्निंग ट्रेन को हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म माना जाता है। कहते हैं कि रवि ने ट्रेन के जलने वाले सीन को जबरदस्त तरीके से फिल्माया था। इस फिल्म को शानदार बनाने के लिए आग के स्पेशल इफेक्ट्स के लिए हॉलीवुड एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। खैर, फिल्म चल नहीं पाई और इसका रवि को बहुत दुख हुआ। फिल्म दर्शकों के दिलों में भले जगह न बना पाई हो और नाकामयाब रही हो लेकिन इसके सेट पर परवीन बॉबी से मिलने पहुंचे बॉब क्रिस्टो का दिल ऐसा लगा कि फिर वो बॉलीवुड के होकर रह गए। बॉब क्रिस्टो के हिंदी सिनेमा में एंट्री की वजह रही अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस परवीन बॉबी और इसका दिलचस्प किस्सा आपको हम बताते हैं। दरअसल परवीन बॉबी के ग्लैमर और खूबसूरती की चर्चा उन दिनों जोरों पर थी। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर उन्हें जगह दी गई थी। बॉब ने जब मैगजीन में परवीन की तस्वीर देखी तो ऐसे फिदा हुए कि परवीन से मिलने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया चले आए। बॉब को जब पता चला कि परवीन बॉबी अपनी फिल्म द बर्निंग ट्रेन की शूटिंग कर रही हैं तो वो सेट पर मिलने चले आए। वहां बॉब के एक कैमरामैन फ्रेंड मिले। बॉब उनसे बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक लड़की की आवाज सुनकर पलटे। बॉब ने जब परवीन बॉबी को देखा तो फिर वापस अपने वतन नहीं जा पाए और हमेशा के लिए बॉलीवुड के होकर रह गए। ये करिश्मा था परवीन बॉबी की खूबसूरती का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।